हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग सन। सो आज की वीडियो में आपको एक्सेल के अंदर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको इस फॉर्मूला के बारे में आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला है प्रॉपर, सेकंड ट्रिम एंड थर्ड यूनिक। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि इन फॉर्मूलाज का क्या यूज है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसा कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डेटा व्यू किया है। सो दैट ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं इनको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं कि इनका क्या यूज है। पहले फॉर्मूला की बात करते हैं, इसका नाम है ट्रिम। ट्रिम फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करेंगे तो किसी भी डेटा के अंदर, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्री के नेम है, इसे बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। तो ये अनवांटेड स्पेस को ट्रिम फॉर्मूला की हेल्प से आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी डेटा के अंदर। ओके, तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट ट्रिम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ट्रिम। अब जैसे ही फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला आ गया, मैं टैब एंटर करूंगा। ओके, आप चाहें तो पूरी कॉलम की सिलेक्शन दे दें, अदरवाइज जस्ट मैं एंटर कर देता हूं। ओके, अब आप देखिए कनाडा के अंदर जो भी अनवांटेड स्पेस थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। आप यहां नीचे डाउन पर आएंगे, आप जब प्लस वाली आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा आपका इस कॉलम में है उसके अंदर जो भी स्पेसेस हैं वो रिमूव कर देगा। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की, जिसका नाम है प्रॉपर। सो प्रॉपर फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी वर्ड का अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देखिए जो कंट्रीज के नेम लिखे हैं इनके दो फर्स्ट लेटर हैं वो स्मॉल में हैं। ओके, सो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में कर देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी लेटर हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो जस्ट प्रॉपर टाइप करेंगे यहाँ पर, प्रॉपर। ओके, अब प्रॉपर फॉर्मूला सबसे टॉप पे आ गया, मैं टैब एंटर करूँगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन देंगे कंट्री की। ओके, देन एंटर। अब कनाडा के अंदर जो सी है उसको इसने फर्स्ट लेटर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर स्मॉलर में आ गए हैं। ओके, अब जस्ट यहाँ पर आइए, प्लस वाली आइकॉन पे डबल टाइप कीजिए, ये ऑटो सेलेक्ट कर देगा नीचे तक जहाँ तक आपका डेटा है। ओके, सो गाइस, अब हम बात करते हैं यूनिक फॉर्मूला की। यहाँ पर यूनिक फॉर्मूला के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअली में ये यूनिक वैल्यूज को फाइंड करके देता है। जैसा कि आप यहाँ प्रॉपर वाले कॉलम में देखेंगे, एक कंट्री मल्टीपल टाइम शो कर रही है। ओके, सो जब यूनिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या करेगा, जो एक्चुअल काउंट है कंट्रीज का इसके अंदर वो आपको फाइंड करके देगा। सो प्रैक्टिकली करते हैं हम, जस्ट इज इक्वल टू यूनिक टाइप करेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट नंबर पे यूनिक फॉर्मूला आ गया है। अब आप टैब पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अब आपको एरे देना है, ठीक है। एरे मींस कि वो कॉलम की सिलेक्शन देनी है जिस कॉलम में आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में यूनिक वैल्यूज क्या है वो फाइंड करके दे। ओके, तो यहाँ पे आपने सिंगल सिलेक्शन नहीं देनी है, जस्ट आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपका डेटा है, देन आप चाहें एंटर कर दीजिए। ओके, एंटर करने के बाद आप देखिए यूनिक के अंदर यहाँ पर इसने 7 कंट्रीज मुझे जो फाइंड करके दी है कि इसके अंदर एक्चुअल में 7 कंट्रीज जो यूनिक हैं। ओके, अब क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट मैं फिल्टर लगाऊंगा। ओके, और प्रॉपर वाली कॉलम पे फिल्टर लगा के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, ये 7 कंट्रीज हैं जो यूनिक हैं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ। जैसे मान लो कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, लाइक जैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, TRIM। अभी आप देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज आ रहे हैं ट्रिम के नाम से, ठीक है। सो क्या होता है, जहाँ पे भी ये ब्लू कर्सर है, जहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, अगर आप टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इसी फॉर्मूला को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इन तीनों फॉर्मूला के अंदर टैब बटन का यूज़ किया, सो दैट ये ऑटो सेलेक्ट कर ले, क्योंकि शॉर्टकट की यूज़ करना चाहिए अगर आप एक्सेल पे काम करते हो। इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसकी नोटिफिकेशन आए और लर्निंग के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। एंड नाउ आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों फॉर्मूलाज का एक्सेल के अंदर क्या यूज़ है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को दोबारा रीप्ले करेंगे तो आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी इन फॉर्मूलाज के बारे में। सो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट अगर वो एक्सेल पे काम करते हैं तो वो भी इन फॉर्मूलाज का यूज़ करें। ओके, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप फ्रेंड यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू अगेन।